पिताजी, आज भरी क्लास में सर ने मुझे खड़े करके पूछा, फीस क्यों नहीं भरा? अगर पैसा नहीं था तो क्यों डाला मेरे को कॉलेज में? शगुन पागलपन मत करो, टीवी पर बता रहे हैं इस साल भी बारिश देर से होगी, पिछले 2 सालों से यही चल रहा है। अब तुम ये बताओ कैसे जिएगा किसान पानी के बिना, बताओ? तो फिर एग्रीकल्चर कॉलेज में क्यों डाला? कॉमर्स से आर्ट्स की होती तो कहीं ना कहीं किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती। शगुन बेटा, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और आप भी शांत हो जाइए, भगवान है ना, सब ठीक कर देगा वो। मेरे प्यारे भगवान जी, हर साल आप बारिश बड़ी देर से भेजते हैं और बहुत कम भी, इसकी वजह से तो हमारे घर में झगड़े बढ़ रहे हैं। पिताजी फसल की टेंशन में रहते हैं, प्लीज आप कुछ कीजिए ना, आपके पास तो बहुत सारे आइडियाज होंगे, जल्दी बताइए कोई तरकीब प्लीज। आपकी जवाब का इंतजार कर रही हूँ मैं, आपकी राधा। भगवान जी ने भेजा आपका खत पढ़ने के बाद। सच्ची? हाँ जी। पापा देखो, भगवान जी ने किसी को भेजा है, जल्दी आप आए। नमस्ते, मैं रिव्यूलिस कंपनी से आया हूँ। रिव्यूलिस कंपनी ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई के प्रोडक्ट्स बनाती है। दुनिया के कई देशों में हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। भारत में हमारी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में वडोदरा के नजदीक है। इससे हमारा क्या लेना देना? और सब लोग यही बोलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, उसके बाद क्या? हमारी कंपनी रिव्यूलिस पानी व्यवस्थापन सामग्री सिर्फ उपलब्ध ही नहीं करवाती, बल्कि बेहतर फसल उत्पादन के तरीके भी बताती है। रिव्यूलिस के ड्रिप इरिगेशन प्रोडक्ट्स भारत में ड्रिप इरिगेशन सब्सिडी स्कीम में रजिस्टर्ड है। इससे आपको रिव्यूलिस के प्रोडक्ट्स खरीदने में आसानी होती है। हमारी कंपनी रिव्यूलिस का हेडक्वार्टर है इजराइल देश में। इजराइल पहले तो सिर्फ एक बंजर रेगिस्तान था, जो आज पूरी दुनिया में अपनी हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। और इस बदलाव में हमारी कंपनी रिव्यूलिस का बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग खेती में मशहूर दुनिया की सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने ड्रिप इरिगेशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऐसे ड्रिप इरिगेशन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके आप प्याज, आलू, कपास या फिर ज्यादा पानी की जरूरत वाली फसल जैसे गन्ने, केले आदि भी उगा सकते हैं। रिव्यूलिस का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पौधों की जड़ों के समीप पानी देता है, इसलिए कम पानी में काम हो जाता है और अधिक फसल हो पाती है। इसलिए हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे GPS, गूगल अर्थ, फकाडी का इस्तेमाल करके हमारी ड्रिप सिस्टम को कंप्यूटराइज डिजाइन करते हैं। और तो और, जलवायु, जमीन की प्रकार, जल की उपलब्धता और क्वालिटी, फसल नियोजन, लोड शेडिंग आदि तत्वों को ध्यान में लेते हुए हर खेत का विश्लेषण कर डिजाइन सुझाया जाता है। मैं आपको रिव्यूलिस के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल करने वाले 2 किसानों के खेतों के कुछ वीडियो दिखाऊंगा। माझी टोटल 100 एकर शेती आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे रिव्यूलिस इरिगेशन मी जेव्हापासून यूज करतोय, तर मला पाण्याचा डिस्चार्ज एकदम प्रॉपरली मिळतो त्याचा। रिव्यूलिस इरिगेशनमध्ये मी प्रॉपरली त्या ह्या गोष्टी करू शकत आहे। वॉटर मॅनेजमेंट, फर्टिगेशन जो आपल्याला आपल्या क्रॉपसाठी फार महत्त्वाचे आहे। रिव्यूलिस के इनलाइन से मेरा जो क्रॉप है वो क्रॉप का जो टनेज है वो बढ़ गया है। एकर के हिसाब से देखा जाए तो पहले 10 टन तक निकलता था, अभी 12-13 टन तक निकल रहा है। ये सिस्टम इस्तेमाल करने से मजदूरी बची, मेहनत बची और पैसा भी बच गया। ड्रिपर की
चोकिंग प्रतिरोधी बनावट से एक समान डिस्चार्ज मिल पाता है। हाइड्रोपीसी लाइन उतार चढ़ाव वाले खेत में एक समान डिस्चार्ज देती है। ड्रिप लाइन आपके खेतों में लगने से पहले बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक से होकर गुजरता है। स्क्रीन पे दिखाई जाने वाले प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं। डी 2000, हाइड्रोगोल, हाइड्रोपीसी, E1000, सुपर टिफ, कटिफ, S5000, टॉर्नेडो, रोंडो। अब तो हमारा एक हाईटेक ऐप भी है। किसान अपने स्मार्टफोन पर डालकर इस ऐप की मदद से अपने आप को कंपनी के साथ कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए किसान ये जान सकते हैं कि फसल को कौन से वक्त कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है और कौन सी दवाइयां देनी है। हमारी मन्ना इरिगेशन नाम की एडवाइजरी सिस्टम है। ये सैटेलाइट से लिए गए इमेजेस का उपयोग करके आपको प्राकृतिक एडवाइस भी दे सकती है। मानो रिवलेस इरिगेशन सिस्टम किसान के हर सवाल का जवाब है। पिताजी, अभी मुझे खेती करने में मजा आएगा। रिवलेस की वजह से एक आधुनिक तकनीक मिल गई है। अब मैं कॉलेज जाऊंगा। हमारी बाइक। नमस्ते, आई आई। अरे शगुन बेटा, कहाँ चले गए थे आप लोग? हाँ, जाओ जाओ। आज आपने नए घर का गृह प्रवेश है, पूरे मेहमान लोग आ रहे हैं। कितना देर लगा है तुमने? अरे बाबा, मैं कुछ लेने चला गया था। क्या? इस साल का मुनाफा। क्या बात है।